जांजगीर चांपा जिले में मितानिन संघ ने कोरोना प्रोत्साहन राशि का पैसा नहीं मिलने पर नाराजगी जाहिर करते हुए मोर्चा खोल दिया और भुगतान नहीं होने तक कोरोना संबंधित काम के बहिष्कार का अल्टीमेटम भी जिला प्रशासन और सीएमएचओ को दे दिया। मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना काल के दौरान राज्य सरकार द्वारा अप्रैल 2021 से सितंबर 2021 तक मितानिनों को 1,000 रूपए तथा मितानिन प्रशिक्षक को 500 रूपए प्रतिमाह देने का ऐलान किया गया, लेकिन अभी तक ये प्रोत्साहन राशि मितानिनों को नहीं मिली है, जिसके चलते उन्होंने काफी ज्यादा नाराजगी जाहिर की। हमारे मितानिन बहनें जो हैं, साथ में हमारे प्रशिक्षक साथी हैं, कोविड काल में लगातार काम करते रहे हैं, विभिन्न तरह के काम, चाहे सर्वे करने का हो, सूची बनाने का कि कितने लोगों को टीका लगा है, कितने लोगों को नहीं लगा है, कब उनको फर्स्ट डोज लगा है, कब सेकंड डोज लगा है। उससे पहले घर घर कोरोना किट दवाई जो था वो बांटने का काम, कुल मिलाकर देखा जाए तो कोरोना पर लगातार दिन रात एक करके हम लोग काम करते रहे हैं। मितानिन बहनों के द्वारा, मितानिन प्रशिक्षक बहनों के द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है। उनकी मांग है कि कोरोना प्रोत्साहन के राशि भुगतान नहीं होने तक कोरोना संबंधी कार्य का बहिष्कार करने की सूचना इस पत्र के माध्यम से दी गई है और मैंने पत्र उनका ज्ञापन अभी आपके समक्ष प्राप्त किया है। इस पत्र पे सहानुभूतिपूर्वक तत्काल कार्रवाई करते हुए शासन को अवगत कराएंगे ताकि मितानिन बहनों की जो मांग है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो सके। मैं सावित्री कश्यप हूँ, विकास खंड समन्वयक का कलतरा से हूँ और सब जो है हमारी मितानिन बहनें और प्रशिक्षक बहनें यहाँ पे उपस्थित हुए हैं विज्ञापन देने के लिए। और हमारे मितानिन जब से कोरोना आया है तब से लेकर के अब तक के मितानिनें काम कर रही है कोरोना पे और उनको आज तक जो है कोरोना संबंधी कुछ भी राशि नहीं मिला है। सरकार जो है घोषणा किए थे कि कम से कम अप्रैल से लेकर के 2021 अप्रैल से लेकर के सितंबर 2021 तक के राशि उनको 6 महीने का 6,000 देंगे करके, उसको भी अभी बोल रहे हैं कि उसका राशि अभी तक के नहीं आया है करके। और अभी उसी के लिए हम लोग बात किए हैं सीएमएचओ सर का, तो उनका भी यही कहना है कि हमारे पास इसके लिए कोई बजट नहीं है करके, तो हम लोग भी इसके लिए विज्ञापन दे रहे हैं।